सर यूपी में इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ पसंद आएगा सर? मुझे उम्मीद है इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के और जितने भी साथी हैं उनका साथ लेकर के जनता का समर्थन मिलेगा, पहले से ज़्यादा इस बार समर्थन दिखेगा। बीजेपी ने बहुत निराश किया जनता को, खासकर किसान को और नौजवानों को। तो एक अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार यूपी में जीतने जा रहा? हमारी जो तैयारी है वो 80 हराओ की तैयारी है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ ये नारा है और जनता का समर्थन मिलेगा। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हारेगी। एक और क्वेश्चन सर, 80 सीटें आपने बोला आप जीतने जा रहे हैं, तो 80 सीटें अगर जीते तो ये देश युवा प्रधानमंत्री के लिए तैयार है? 80 हराओ और उत्तर प्रदेश ने 80 हरा दी, 80 जीत गया दूसरा दल, तो देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और मिलकर के ही तय होगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री। सर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी कोई भी ऐसा क्लियर नहीं कि महागठबंधन से कौन नेता होने जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद अगर हम देखें तो युवा चेहरा आप ही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन? ये चॉइस बात की बात है, जब चुनाव हो जाएगा सांसद जीत जाएंगे तब तय होगा कि कौन बनेगा देश का। ठीक सर, और जैसे हम जैसे युवा पत्रकार जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो? बधाई है आप लोगों को और बहुत मेहनत का काम है और मुझे उम्मीद है क्योंकि आप नए हैं तो नए विचार लाओगे, नए विचारों के साथ साथ जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करोगे, लेकिन अपनी सच्ची पत्रकारिता नहीं छोड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। यूपी में इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ पसंद आएगा सर? मुझे उम्मीद है इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के और जितने भी साथी हैं उनका साथ लेकर के जनता का समर्थन मिलेगा, पहले से ज़्यादा इस बार समर्थन दिखेगा। बीजेपी ने बहुत निराश किया जनता को, खासकर किसान को और नौजवानों को। तो एक अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार यूपी में जीतने जा रहा? हमारी जो तैयारी है वो 80 हराओ की तैयारी है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ ये नारा है और जनता का समर्थन मिलेगा। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हारेगी। एक और क्वेश्चन सर, 80 सीटें आपने बोला आप जीतने जा रहे हैं, तो 80 सीटें अगर जीते तो ये देश युवा प्रधानमंत्री के लिए तैयार है? 80 हराओ और उत्तर प्रदेश ने 80 हरा दी, 80 जीत गया दूसरा दल, तो देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और मिलकर के ही तय होगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री। सर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी कोई भी ऐसा क्लियर नहीं कि महागठबंधन से कौन नेता होने जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद अगर हम देखें तो युवा चेहरा आप ही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन? ये चॉइस बात की बात है, जब चुनाव हो जाएगा सांसद जीत जाएंगे तब तय होगा कि कौन बनेगा देश का। ठीक सर, और जैसे हम जैसे युवा पत्रकार जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो? बधाई है आप लोगों को और बहुत मेहनत का काम है और मुझे उम्मीद है क्योंकि आप नए हैं तो नए विचार लाओगे, नए विचारों के साथ साथ जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करोगे, लेकिन अपनी सच्ची पत्रकारिता नहीं छोड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।